हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एपी फूड ब्लॉग में। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टफ पटेटो चिली भज्जी बनाने वाले। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैं चिली यूज़ कर रहा हूँ इसे बनाना चिली बोलते हैं। तो यही चिली के अंदर मैं पटेटो स्टफ करके इसका भज्जी बनाने वाला हूँ। तो अभी मैं इसे क्लीन वगैरह कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाना चिली ले रहा हूँ, इसका जो साइड का कॉर्नर है इसे काट लेता हूँ। अंदर से कितना भी मतलब सीड है उसे मैं निकाल लेता हूँ। तो इसके अंदर जितना भी सीड्स होता है अंदर, मैंने इसे अच्छी तरह से मैंने निकाल दिया है। तो तीनों चिल्ली का जो है मैंने अच्छी तरह से निकाल दिया पूरा सीड। तो इसको अभी हम लोग साइड में रखते हैं। हम लोग इसके अंदर स्टफ करने के लिए जो पटेटो है उसे हम लोग रेडी करते हैं। तो यहाँ पे मैं दो बॉइल्ड पटेटो ले रहा हूँ, तो इसको मैं अच्छी तरह से क्रश कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसके अंदर एक पूरा बारीक कटा हुआ कांदा ले रहा हूँ और थोड़ा सा धनिया का पत्ता। इसके बाद आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा हल्दी और आधा टीस्पून धनिया पाउडर और आधा टीस्पून जीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला और आधा नींबू। अभी हम सबको अच्छे से मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पटेटो है वो तैयार हो गया। तो अभी हम लोग इसे चिली के अंदर स्टफ करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो पटेटो अच्छी तरह से चिली के अंदर स्टफ कर दिया है। तो अभी हम लोग बेसन का बैटर बनाना शुरू करते हैं। तो मैं एक बाउल में यहाँ पे एक कप बेसन लिया हूँ और इस बेसन के अंदर थोड़ा सा चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अजवाइन। तो मैं अजवाइन को थोड़ा रब करके डाल रहा हूँ ताकि जो फ्लेवर है अच्छे से आ जाए थोड़ा बाहर। तो यहाँ पे मैंने अजवाइन डाल दिया। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा सोडा मैं ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद मैं इसके अंदर पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा बेसन का बैटर तैयार हो गया। तो मैं ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रख रहा हूँ इस बैटर को। तो इसके बाद हम लोग इसके अंदर जो स्टफ किया हुआ चिली है उसे इसके अंदर डिप करके ऑयल में फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑयल है गर्म हो गया है, तो इसके अंदर अपना भज्जी डाल देते हैं।
तो यहाँ पे जो हमारा भजी है अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया, तो अभी हम लोग इसे निकाल लेते हैं। हमारे यहाँ पे स्टफ पोटैटो चिली भज्जी तैयार हो गया, तो अभी हम लोग इसे टेस्ट करते हैं, देखते कैसा बना है। तो गाइस यहाँ पे हमारा स्टफ पोटैटो चिली भज्जी है बहुत ही अच्छा बना है। जो चिली है थोड़ा सा तीखा है और अंदर जो पोटैटो का स्टफिंग है, ऑनियन का टेस्ट, थोड़ा सा हल्दी वगैरह हमने जाना, उसका भी अच्छा टेस्ट आ रहा, तो बहुत सही बना है। तो ये भी बहुत इजी रेसिपी है और सिंपल सा स्नैक रेसिपी है और बहुत इजी रेसिपी है। तो फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो अगर अच्छी लगी रहेगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कर लेना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।